अविंग फूड बुक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। इसे आज मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी। साबूदाना दो प्रकार का होता है, एक बड़ा और एक छोटा। आज मैं छोटे वाले साबूदाने की खिचड़ी माइक्रोवेव में बनाऊंगी। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसे कोई इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही इजीली ये बन जाती है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करें और वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है साबूदाना एक कटोरी, ये दो मैंने मध्यम आकार के आलू लिए हैं उबले हुए जिन्हें मैंने पहले से ही काट रखा है, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने पहले से काट रखा है, दो ग्रीन चिलीज हैं हरी मिर्च जिन्हें मैंने पहले से ही काट लिया है, आधा कटोरी मूंगफली के दाने हैं, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार, ये डेढ़ चम्मच घी लिया हुआ है और ये डेढ़ चम्मच मैंने नींबू का रस लिया हुआ है। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक माइक्रोवेव का बर्तन लेंगे, उसमें हम ये साबूदाना में डाल देंगे, फिर इसी में हम ये आलू इसमें मिक्स कर देंगे जो हमने पहले से काट के रखे हुए हैं। अब इसमें हम ये हरी मिर्च, ये मूंगफली के दाने, ये काली मिर्च का पाउडर, ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और नमक स्वाद अनुसार। मैं इसमें एक चम्मच के से कम नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। और ये घी, घी भी हमने थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, बस ये बहुत जल्दी बन जाएगा। इसमें इस तरह से इसको सब चीज़ को मिक्स कर लेंगे। देखिए हम इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसमें लास्ट में हम इसमें ये नींबू का जो रस था मैं इसमें ये मिक्स कर दूंगी। इस तरह से ये मिक्स कर देंगे इसको। देखिए हमारा इसमें सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं, केवल मैंने ये धनिया को छोड़ा हुआ है। इसको धनिया को हम जब ये साबूदाना की खिचड़ी हमारी बन जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको जाके माइक्रोवेव में रखेंगे। केवल हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए ही माइक्रोवेव में रखना है, उतनी देर में ये खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी साबूदाने की रेसिपी तैयार है, खिचड़ी ये पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो हमने धनिया काट के रखा हुआ था इसको ऐड कर देंगे। ये व्रत के लिए बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये साबूदाने को हमने पहले से ही 1 घंटे भिगोया हुआ था। यदि आप बड़े वाले साबूदाने का यूज कर रहे हैं तो उसको 7 से 8 घंटे पहले भिगोया जाएगा, और छोटे वाले साबूदाने का अभी आप यूज करेंगे तो उसके लिए बस हमें 1 घंटे के लिए ही भिगोना काफी है।